वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असीं जाणांगे किवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंदां दा सिलसिला हमेशा हमेशा लई बंद कर दिता सी। गुरु नानक देव जी ने अपने चोणवे सिखां नूं प्रचार करन वास्ते थापिया सी। तीसरी पातशाही ने सिक्खी दे प्रचार वास्ते सारे मुल्क नूं 22 हिस्सों विच वंड के प्रचार दे केंद्र कायम किते। सिख इतिहास विच इस सिलसिले नूं 22 मंजियां थापियां कहिंदे हन। चौथी पातशाही ने सिखी दे प्रचार वास्ते ते नाले सिखां कोल उगराही करन वास्ते मसंद थापे। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी तो गुरियाई दी गद्दी जद्दी बन गई। गुरियाई दी गद्दी जद्दी बन गई इस वास्ते मसंदां दीआं गद्दियां भी जद्दी बन गईआं। पहले थापे हुए मसंद बड़े सिद्दकी ते ईमानदार सन, पर उन्हां दी औलाद ओह जिही ना रही। ओह लालची ते चलनहीन हुंदे गए। जिहड़े अयोग समझ के गुरगद्दी तो पासे रखे गए उन्हां अपना दावा कदे भी त्यागिया नहीं। वह वक्रियां गद्दियां ला के अपने आप नूं गुरु अखवाउंदे रहे। इस तरह गुरगद्दियां चार हो गईयां। एक गद्दी असली सी जिस दे मालक गुरु गोबिंद सिंह जी सन, नाल तीन गद्दियां फर्जी भी बन गईयां। ये तिन्ने सन पृथ्वी चंद धीरमल ते राम राय दीआं बनाईयां होईयां। उन्हां नूं असली गुरु नालों मसंदां दी वधेरे लोड़ सी। अपने नाल गंढण वास्ते वह मसंदां नूं वधेरे लालच दिंदे ते हर तरह दीआं उन्हां दीआं शर्तां मन लैंदे। मसंदां ने भी अपनी ताकत नूं समझिया। जिहड़ा सोढ़ी उन्हां नूं वधेरे सहूलतां दिंदा वह पहले दा साथ छड्ड के उस वल हो जांदे। इस दा सिट्टा मसंदां दा लालच ते हंकार वध गया। किसे हद तक वह मूँह जोर भी हो गए। इत्थों तक कि राम राय दे मसंदां ने उहनूं ज्यौंदे नूं साड़ दित्ता। बन गए रिवाज अनुसार सिखां दीआं अरदासां भी इलाके दे मसंद राहीं ही हुंदियां सन। गुरु ते सिख दे विचकार मसंद इक विचोला समझिया जाण लग पिया। इसे माण उत्ते ही वह इन्ने मूँह जोर हो गए इत्थों तक कि वह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं भी धमकियां देण लग पए। अज भी धर्म दा इन्ना भय है कि कई संत फकीर सराप दी धमकी दे के सधारण लोकां नूं डरा लैंदे हन। अज तो 300 साल पहलां दा इह प्रभाव ते भय बहुत ज़्यादा सी। इसे प्रभाव ते भय थले मसंद गरीब सिखां उत्ते जुल्म करन लग पए। कई चलनहीन मसंदां ते अत्याचार तां हदों वध गए। गुरु महाराज तक यह खबरां पहुंचियां तां हजूर ने मसंद परंपरा नूं बंद करन दा मन बना लिया। गुरु जी ने हुक्मनामे भेज के सारे मसंदां नूं विसाखी दे मेले ते बुलाया। मसंदां ने कार भेट हजूरी विच पेश कीती। गुरदेव ने पुछया, भले पुरशो, इस वार कार भेट घट क्यों आई है? इस बारे गुरदेव पास शिकायतां पुज चुकियां सन। अगे मसंदां ने उजर पेश कीता, सच्चे पातशाह अमीर सिख बहुते स्वर्गवास हो गए हन, हुण तां सिख बहुते गरीब रह गए हन। गरीब सिखां वल्लों मसां इन्नी कार भेट ही आई है। गुरदेव ने जरा गरज के कहा, अपना पाप लुकाउण दी लोड़ नहीं, बहुती कार भेटा तुसी आप हड़प जांदे हो। इस गल तों मसंद बहुत औखे होए। उन्हां सारिआं वक्खरी एकत्रता कीती। भाई चेतू बड़ा पुराना मसंद सी। मसंदा ने उन्हूं आगू बना के गुरु जी पास भेजिया। चेतू ने महाराज नूं जा कहा, सच्चे पातशाह असी आप जी दे पुराने सेवक हाँ, आप जी नूं साडा आदर मान करना चाहिदा है। सोचो, सारे मसंद आप नूं छड्ड के धीरमल वल चले गए तां फिर की बनेगा। गुरदेव ने अगों उहदी धमकी दे उत्तर विच जरा रोब नाल बोलिया, कहा, भाई चेतू इहो जिहे झूठे ते गुरु दी गोलक दे चोर चले जाण तां माड़ा नहीं। एक सिख ने माता गुजरी जी वास्ते सोने दे कड़े भेजे सन, चेतू हथ। वह कड़े चेतू ने अपनी घरवाली नूं दे दित्ते। वह सिख आनंदपुर आया तां उहने महाराज अगे इस बारे बेनती कीती। गुरदेव ने एक पासे उस सिख नूं बुला लिया ते एक पासे चेतू दे डेरे सिख भेज के वह कड़े मंगवा ले। फिर भी चेतू माफ़ी मंगण दी थां चंगा माड़ा ही बोलता रहा। इस घटना तो गुरदेव इस सिट्टे ते पुज्जे कि मसंद हुण किसे भी गुरु दे वफादार नहीं रहणगे। सो गुरदेव ने मन नाल फैसला कर लिया कि देहधारी गुरु पदवी उहनां नाल ही समाप्त हो जानी चाहीदी है, तां ही सिख मसंदां दे जाल विचों बच सकणगे। गुरदेव ने सारे मसंद बन ले ते हर एक नूं उसदे गुनाह दी मुताबिक सज़ा दित्ती। कुछ चंगे ते ईमानदार मसंदां भाई फेरू वर्गियां नूं इनाम ते सिरोपाओ भी बख्शे। नाल ही गुरदेव ने सिख संगतां नूं हुक्म दित्ता, अज तों मसंद परंपरा खत्म कर दित्ती गई है। गुरु के नाम उत्ते कोई सिख मसंदां नूं कुछ ना देवे। अपनी कार भेट अपने पास जमा रखो। जदों तुसी गुरु दर्शनां नूं आवो अपने हत्थी भेटा हाजिर करो। केवल ओह भेटा प्रवान होवेगी। चौथे पातशाह दी चलाई हुई मसंद परंपरा दसवें गुरदेव ने सदा वास्ते बंद कर दित्ती। फिर भी कुछ मसंद गुरदेव नाल लगे रहे ते कुछ दा अपने इलाकियां विच भी असर कायम रहा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।